दोस्तों, जूते चप्पल हमारे घर में ढेर सारे होते हैं जिनको रखने के लिए हम बाज़ार से महंगे महंगे स्टैंड लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी स्टैंड हमारे कम ही पड़ते हैं और हमारे जूते चप्पल इधर उधर बिखरे रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी जिसकी मदद से आप अपने घर के ढेरों जूते चप्पल बड़ी आसानी से रख सकते हैं। और इसमें मैं आपको दो मेथड बताऊंगी, एक टेम्परेरी और दूसरा एक परमानेंट मेथड। दोनों मेथड आप अपना सकते हैं, इसमें से जो आपको अच्छा लगे उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए लिया है मैंने एक दुपट्टा। आप कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, साड़ी ले सकते हैं, दुपट्टा ले सकते हैं, स्टॉल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया है एक दुपट्टा। अब हमें क्या करना है, दुपट्टे को हमें इस तरीके से पहले लंबाई में फोल्ड करना है। इस तरीके से हम पहले इसको लंबाई में फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने दुपट्टे को लंबाई में फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसको डबल तह बनानी है। ये देखिए, इस तरीके से अब हमें इस दुपट्टे की डबल तह कर लेनी है और हमें सारी तह को अच्छी तरीके से इक्वल बराबर ले लेना है ताकि ये कहीं से ऊंचा या कहीं से नीचा ना हो। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको अब दुपट्टे को डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है एक हैंगर और ये जो हमने दुपट्टे की एक ये जो पहली लेयर है इसके बीच में हमें हैंगर को डाल देना है। ये देखिए, इस तरीके से दुपट्टों के दोनों के बीचों बीच हमें हैंगर को डाल देना है। इस तरीके से हैंगर को दुपट्टों के दोनों बीच में डाल दिया। अब ये यहाँ से हिले नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर सुई धागे की मदद से एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सुई धागे से इसको हैंगर को इस दुपट्टे के साथ फिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे पॉलिथीन। पॉलिथीन का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, चलिए मैं दिखाती हूँ। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने दुपट्टे का जो ऊपर वाला पोर्शन है इसकी, ये जो हाफ किया था हमने उसका जो पहले वाला सिरा है इसको हमने अलग कर लेना है और इसका जो नीचे के ये जो दो पोर्शन रह गए हैं उसके ऊपर हमें लगाना है पॉलिथीन। ये देखिए, इस तरीके से हम इसके ऊपर पॉलिथीन को रख देंगे और इसके ये जो दोनों एंड्स हैं पॉलिथीन के, ये जो ऊपर के एंड्स हैं इसको हम सुई धागे की मदद से फिक्स कर देंगे। मैं तो आपको फिलहाल स्टेपलर की मदद से फिक्स करके दिखा रही हूँ, आप इसको सुई धागे की मदद से भी फिक्स कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टेपलर की मदद से इसको यहाँ पर सिक्योर कर देंगे। अब इस तरीके से हम लेंगे दूसरा पॉलिथीन और इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए हम दूसरे पॉलिथीन को भी स्टेपलर की मदद से फिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम एक और पॉलिथीन लेंगे और इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। दोस्तों, मेरा दुपट्टा एक्चुअली में छोटा है इसलिए मेरे इसके ऊपर तीन पॉलिथीन लग रहे हैं। अगर आपका दुपट्टा लंबा है तो इसके ऊपर आपके चार पॉलिथीन भी आराम से आ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके ऊपर तीनों पॉलिथीन को लगा लिया है। अब ये हमारा बहुत ही बढ़िया एक ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको हैंगर की मदद से एक कील के ऊपर टांग दिया है। आप इसको कहीं भी इस तरीके से टांग सकते हैं और अपने घर के जितने भी जूते चप्पल हैं आप इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अंदर बड़े आराम से कितने भी जूते चप्पल आ सकते हैं। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस तरीके से जूते चप्पल रखते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर तीन पॉलिथीन टांगे थे तो इसके अंदर तीन जोड़ी मेरे जूते चप्पल आ गए हैं। अभी इसके अंदर स्पेस ऊपर भी खाली है, अभी इसके अंदर छोटे छोटे तीन और आ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमें देखने में बुरा ना लगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहले वाला पोर्शन दो पोर्शन छोड़े थे उन पोर्शन को हम इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए कवर कर देंगे। इस तरीके से कवर कर देंगे तो ये आपका देखने में भी बुरा नहीं लगेगा। आप इसको कहीं भी टांग दे तो कोई कहेगा नहीं कि इसके नीचे आपके पॉलिथीन है और इसके नीचे आपके जूते चप्पल रखे हुए हैं। तो दोस्तों, ये तो था हमारा टेम्परेरी मेथड अपने जूते चप्पल को रखने का। अब मैं आपको एक परमानेंट मेथड बताती हूँ जिसकी मदद से आप जो है इसके अंदर जूते चप्पल बड़े आसानी से रख सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले इस तरीके से दुपट्टा लेना है और इसको आपने इसी तरीके से लंबाई में डबल फोल्ड करके उसकी फिर से एक फोल्ड लगा देनी है और इसके बाद फिर से हमने उसके सेंटर में हैंगर रख के इस तरीके से फिर से हमें हैंगर को फिक्स करते हुए एक सिलाई लगा देनी है।
अब हमें इस मेथड में अब हमें सेकंड चीज हमें क्या करनी है कि हमने अपना लेना है पूरा दुपट्टा, पूरे दुपट्टे को फैला लेंगे और इसका जो एक पोर्शन है जैसे हमने पहले अलग किया था उस तरीके से इसका पोर्शन हम एक अलग कर देंगे और इसका जो नीचे वाला पोर्शन बच गया है इसको हमने बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। वो आपका डिपेंड करता है कि इसका साइज़ कितना होना चाहिए, आप अपने जूते चप्पल का हिसाब देख लीजिए। अगर आपके बड़े जूते हैं थोड़ा बड़ा साइज़ लीजिएगा और अगर आपके छोटे जूते हैं तो आप इसका छोटा साइज़ लीजिएगा। उसी हिसाब से लेकर हमें इसको निशान लगा लेने हैं। ये देखिए मैंने एक निशान लगा लिया है यहाँ पर, ये देखिए ये मैंने तीन निशान लगा लिया, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और ये जो लास्ट में हमारा बच जाता है यहाँ पर भी हमें नीचे की साइड पे एक सिलाई लगा देनी है ताकि ये हमारा नीचे से ओपन ना रहे। तो इस हिसाब से अब हमारे बन जाएंगे ये चार पोर्शन। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें निशान लगाए हैं इस निशान को हमें ऊपर तक बिल्कुल सीध में मिला देना है। ये देखिए मैंने एक लाइन खींच ली है, इसी तरीके से जो ऊपर वाली लाइन है इसको भी हमें एक सीधी लाइन खींच लेनी है। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा एक दो तीन, तीन जो है हमारी ये लाइन खींच गई हैं और सबसे नीचे वाला जो मैंने बताया, इस तरीके से हमारे ये चार पोर्शन बनकर तैयार हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे सुई धागा और सुई धागे की मदद से ये जो हमने लाइनें खींची हैं इसके ऊपर हम सुई धागे की मदद से इसको सिल लेंगे। मैं तो सुई धागे से कर रही हूँ, आपकी इच्छा है आप इसको पक्का करने के लिए मशीन से भी इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसके एक साइड पे इस तरीके से सुई धागे से सिलाई लगा दी है। इस तरीके से जो भी हमने नीचे तक जो भी लाइंस खींची हैं इनको हम सुई धागे की मदद से सिल लेंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने दुपट्टे के ऊपर जो चार लाइनें लगाई थी मैंने उसके ऊपर मैंने इस तरीके से सिलाई कर दी है और इस तरीके से नीचे भी एंड में मैंने इसको सिलाई लगाकर बंद कर दिया है। दोस्तों अब ये हमारा एक फाइनल ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको एक अपने किल्ली के ऊपर हैंग कर दिया है। आप चाहे अपने घर के किसी भी कोने में इसको इस तरीके से हैंग कर सकते हैं और अपने घर के ढेर सारे जूते चप्पल इसमें रखकर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर आपको जूते चप्पल रख के दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर मैंने तीन जोड़ी रख दी हैं। अभी एक मेरा चौथा खाली है, इसके अंदर भी मैं आपको शूज रख के दिखा रही हूँ। अभी दोस्तों इसके अंदर ऊपर भी स्पेस खाली है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर छोटे छोटे एक जोड़ी जूते चप्पल रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये हमारा एक परमानेंट ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। अब ये अगर आपको देखने में बुरा लगता है तो आपने देखा होगा जो हमने पहले एक साइड जो है दुपट्टे की छोड़ी थी उसको आप इसकी मदद से इस तरीके से ढक भी सकते हैं और ढक के आप इसको अपने घर में कहीं भी टांग सकते हैं, कोई देखने में बुरा भी नहीं लगेगा और कोई कहेगा भी नहीं कि इसके अंदर आपके जूते चप्पल पीछे छुपे हुए हैं। इस तरीके से बिना पैसा खर्च किए हुए आप अपने जूते चप्पल का स्टैंड बना सकते हैं और अपने घर के ढेरों जूते चप्पल इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।